आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की एक्सीडेंट हो जाता है और एक को पैसेंजर उस लड़की की हेल्प करती है, पर उल्टा वही लड़की एक ज़ॉम्बी निकलती है और एक चिपचिपी सी चीज उस को पैसेंजर के गले में डाल देती है और उसे मार देती है। अब हम देखते हैं आगे की एक्सप्लेनेशन। तो अब हम लोग देखते हैं कि जिस लेडी के मुंह में वो स्टिकी सी चीज गई थी, अब वो धीरे धीरे करके वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी जो आईज का कलर था वो भी चेंज हो जाता है। अब धीरे धीरे वो मार्था की मॉम को भी अपनी तरफ खींच लेती है उन्हें मारने के लिए। तो मार्था की मॉम उसका डटकर सामना करती है, और हम देखते हैं यहाँ पर मार्था को ड्राइवर को उनकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि उनका जो म्यूजिक था वो बहुत ज़्यादा लाउड चल रहा था और बीच में एक गिलास भी था। मार्था की मॉम क्या करती है, वो उस जो ज़ॉम्बी था उसका फेस पे खींच लेती है, जिससे कि उसकी जो पूरी स्किन थी वो उनके हाथ में आ जाती है और वो उसको उस ड्राइवर के पीछे उस ग्लास पर फेंक देती है, जिसका कि उनका ध्यान उस ज़ॉम्बी की तरफ जाता है। अब यहाँ पर ड्राइवर और मार्था यहाँ पर मार्था की मॉम की हेल्प करने के लिए जाते हैं, जिससे कि अब हम लोग देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो उस ज़ॉम्बी को इतनी बुरी तरह से पीटता है। वो यहाँ पर अपने गिटार से उस ज़ॉम्बी के ऊपर बार बार हमला करता है, वो उसे पीट पीट कर इतना बुरी तरह से घायल कर देता है कि वो अब उठ नहीं पाती, और ड्राइवर उस ज़ॉम्बी को अपनी कार के अंदर ही बंद कर देता है। ये लोग अपनी कार से बाहर की तरफ एक जंगल की तरफ आ जाते हैं और अपनी कार को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बी उस कार से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। हम लोग यहाँ पर ड्राइवर कहते हैं, जो कि मार्था उसकी मॉम से कहता है कि आप लोगों को अब अकेले ही सफ़र करना होगा। हम लोग देखते हैं मार्था की हालत ख़राब हो गई थी, उसकी उंगली से बार बार ब्लीडिंग हो रही थी जहाँ पर वो एलियन गया था। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उस ड्राइवर को वो तो अलग निकल जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मार्था की मॉम होती है वो मार्था से कहती है कि अब मार्था तुमको अब अकेले ही जाना होगा और मैं अब तुम्हारी साथ नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। हम लोग देखते हैं कि मार्था अपनी मॉम को उनके कहने पर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिससे कि हम देखते हैं कि मार्था को रास्ते में ड्राइवर मिलता है और वो ड्राइवर की कार में ही बैठ जाती है। साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं जो मार्था की मॉम होती है वो वहाँ पर अकेली होती है और उनके ऊपर वो ज़ॉम्बी यानी कि वो डेडली ज़ॉम्बी हमला कर देता है और मार्था की मॉम की भी डेथ हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं मार्था ड्राइवर के साथ उसकी कार में बैठ कर जा रही थी, इन्हें लगता है कि उनका ज़ॉम्बी से पीछा छूटा, पर ऐसा नहीं था। लोग देखते हैं कि उनकी कार का जो फ्यूल था वो भी खत्म हो गया था, और पास ही के फ्यूल स्टेशन पे वो लोग जाते हैं फ्यूल चेक करवाने के लिए, तो देखते हैं कि इनकी कार का जो फ्यूल टैंक था वो लीक हो रहा था। ड्राइवर उस टैंक को चेक करता है और वो टैंक की तरफ जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई था ही नहीं, कोई टेंडर वहाँ पे था ही नहीं। हम लोग देखते हैं ये लोग फ्यूल कैसे भरते, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्राइवर था वो फ्यूल चेक करने के लिए जाता है, फ्यूल भरने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं मार्था की जो मॉम थी वो आ जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर वो टेंडर भी आ जाता है जो कि फ्यूल भरता। हम लोग देखते हैं मार्था की मॉम एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो एक फीमेल ज़ॉम्बी थी जो कि उस टेंडर को मार देती है। अब हम लोग देखते हैं जो मार्था थी वो ये सब अपनी कार में बैठकर देख रही थी और अभी तक उसकी ज़ॉम्बी मॉम ने उसे देखा नहीं था। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं ड्राइवर भी अपनी कार का फ्यूल टैंक फुल करके वहाँ से मार्था को लेकर निकल जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये लोग अब इनको लगता था कि अब तो हम लोग सही हो गए, हमारे कार में फ्यूल भी आ गया और हम लोग अब बच गए, पर गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वो ज़ॉम्बी था वो इन्हीं की कार की छत पे था, पर इनको अभी अंदाजा भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। मार्था की मॉम जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो इनकी कार के ही जस्ट ऊपर थी, पर इनको पता नहीं था। पर एकदम से यहाँ पर ड्राइवर जैसे ब्रेक मारता है तो मार्था की मॉम उनकी आगे आके गिर जाती है। हे गाइस, वेट वेट वेट, मैंने आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर एनिमेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। ड्राइवर उन्हें मारने की कोशिश करता है बार बार, कार उनके ऊपर नीचे चढ़ाता रहता है, पर हम देखते हैं कि उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी अब मर चुकी है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये सब उनका एक भ्रम था। हम लोग देखते हैं कि ये लोग कार एक किनारे पे लगाते हैं क्योंकि जो ड्राइवर था उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, पर तभी हम देखते हैं कि मार्था की मॉम जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो अभी मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और उनकी कार के पीछे आकर हमला कर देती है। वो अपनी लंबी ज़ुबान से यानी कि वो ज़ॉम्बी अपनी लंबी ज़ुबान से ड्राइवर के ऊपर हमला करता है, तो मार्था उनकी हेल्प करती है, उन्हें बचा लेती है उसकी ज़ुबान को काट कर। हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी मार्था के ऊपर भी हमला करती है, पर ड्राइवर मार्था को यहाँ पे बचा लेता और ये लोग अपनी कार को लेके भाग जाते हैं। और वो ज़ॉम्बी इतना ज़्यादा तेज था कि वो उनकी कार का पीछा कर लेता है अपनी तेज स्पीड से। अभी हम देखते हैं ड्राइवर एक ड्रिफ्ट मारता है जिससे कि उसकी कार पलट जाती है और वो ज़ॉम्बी फिर से यहाँ पर मार्था पे हमला कर देता है। हम लोग देखते हैं ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए आता है और वो यहाँ पर ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी टी शर्ट से, तभी यहाँ पर मार्था पीछे से आकर उस ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देती है। अब हम देखते हैं सुबह का सीन, सुबह हो चुकी थी और ये लोग एक बार की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर चौंकने वाली बात ये थी कि उस बार के अंदर कोई भी नहीं था। मार्था बाथरूम में जाती है और वो यहाँ पर नोटिस करती है कि उसकी उंगली पे वही चिपचिपी चीज आ रही है,
जो कि उस जॉम्बी के मुंह से निकली थी जिसने उस को पैसेंजर को मारा। हमें यहाँ पर पता पड़ जाता है कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला। हम देखते हैं कि यहाँ पर बार काउंटर पर वो ड्राइवर बैठा हुआ था और वहाँ पर उसके सामने वो सभी लोग आ जाते हैं जो कि जॉम्बी बने हुए थे, जिनमें यहाँ पर मार्था भी शामिल थी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मार्था में उस एलियन का पूरा गुमार चढ़ा हुआ था, इनको एलियन ने अब मार्था को भी कंट्रोल कर लिया था। हम यहाँ पर देखते हैं अब ड्राइवर को पता था कि या तो वो मरेगा या तो वो जॉम्बी बनेगा, तो वो अपनी लास्ट ड्रिंक उस बार काउंटर पर एंजॉय करता है। उस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ऐसी मूवी और सी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।